नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मायावती से जुड़ा हुआ है। मायावती ने अभी ट्वीट किया है कि उनके शासनकाल में, उनकी जब यहाँ पे सरकार थी, तब लोगों के जीवन उद्धार हुए, मतलब लोगों का जीवन धन्य हुआ, ये उनका कहना है। उनके शासनकाल में लोगों को रोजगार मिले, आवास मिले, जबकि बीजेपी में और सपा, जबकि सपा के संग वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं, उनका कहना है सपा और बीजेपी के शासन में ऐसा नहीं हो पा रहा है, वो रोजगार नहीं मिल पा रहा, वो लोगों का जीवन धन्य नहीं हो पा रहा है। तो अब आम जनता से हम पूछेंगे कि क्या ये बात आपको भी ऐसी ही लगती है जो मायावती ने बोला है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार श्रीवास्तव। मनोज जी, मायावती ने जो कहा है आपने सुना होगा, जो मैंने भी कहा, क्या लगता है आपको कि ये बात सही है? देखिए, पैसा लेके गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जॉब, लोग पैसा दे के लोग गवर्नमेंट जॉब पाए हैं उस पीरियड में, उन्हें एक अप्लीकेशन तक नहीं लिखनी आती है और क्लर्कल जॉब पा गए। ऐसे इंजीनियर्स आए हैं जिनको कहते हैं MBA करनी नहीं आती है, JEE ऐसे हैं, मैनेजमेंट करना नहीं आता, इंजीनियर हो गए, JEE है इस गवर्नमेंट में। हाँ, पैसा पब्लिक, अगर देखा जाए युवा लोगों को जो कुछ नहीं कर पाए, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो जो कायदे से उन्होंने अपने काम को या पढ़ाई को, किसी चीज़ को कायदे से लग के पढ़ाई नहीं की, अब जॉब नहीं पा रहे हैं, तो उसमें कोई गवर्नमेंट का दोष नहीं है, उसमें दोष हमारा ही आपका है। और इस गवर्नमेंट में जो भी आ रहा है मानना है, पर पढ़ा कंपटीशन बीट करने के बाद आ रहा है, जो भ्रष्टाचार दिख रहा है, जो हमारी नसों में बस गया है। अच्छा, मायावती ने ऐसा क्यों बोला होगा कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है और आवास भी नहीं मिला? जैसा मैंने रोजगार दिया, जैसा मैंने आवास दिया, वैसा लोग नहीं दे पा रहे। उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट में पैसा लेके भर्तियां की थी। अच्छा, हाँ, लेकिन उनका कहना है यहाँ तो बिना पैसा लिए भी नहीं हो रही है। जब वैकेंसियाँ निकल रही हैं, पब्लिक कमीशन से आ रही हैं, धीरे टाइम तो लगता है प्रोसीडिंग में। उन्होंने तो तुरंत डायरेक्ट भर्तियाँ कर ली थी ना, मतलब ये आप मानते हैं कि उन्होंने भर्तियाँ कर ली थी, पैसा लेके की थी, ये एक आरोप है? ये आरोप है जी। देखिए, इनका सीधे तौर पे कहना है कि भर्तियाँ तो हुई थी लेकिन पैसा लेके हुई थी, ये इनका कहना है। चलिए और लोगों से मिलते हैं, कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत यादव। मायावती का कहना है कि उनके शासनकाल में लोगों को रोजगार मिला और उसमें लोगों को आवास मिला, लेकिन जब सपा और बसपा आई तो लोगों को रोजगार भी नहीं मिला और आवाज भी नहीं मिला, ये उनका आरोप है। तो ये कितना सही आरोप है? नहीं, आरोप तो खासकर रोजगार में तो है सही, लेकिन आवास में नहीं कह सकते कि सही है, क्योंकि भाजपा सरकार में आवास तो मिला है। आवास, रोजगार नहीं मिला। हाँ, रोजगार की कमी है। रोजगार में, जैसे हम लोग भी ग्रेजुएट हैं, तो रोजगार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए दौड़ना भी पड़ता है। देखिए, आप सेंटर वेंटर पेट जो भी एग्ज़ाम कराते हैं, उसके सेंटर भी काफ़ी दूर दूर बनाते हैं, उससे कोई वैकेंसी निकालते नहीं है, सिर्फ हर साल सिर्फ पेपर एक करा लेते हैं पेट के नाम पे, और फिर उसमें कोई वैकेंसी निकलती है। तो बहुत आरोप लग रहे हैं, वो तो गलत है। तो ऐसे ही सारे विभाग में जो भी सरकारी नौकरी निकलती थी, उनका यही हाल है, इसका भी हो रहा है, मतलब वैकेंसी करा रहे हैं तो उसे पूरी नहीं करा पा रहे। मतलब जो कहना है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, वो सही बात है। हाँ, युवाओं को रोजगार। आप क्या बोलेंगे? सर, बिल्कुल, रोजगार के मामले में जो जितना डेटा भी देखा जाए, जब से 2014 आया है, सारी वैकेंसीज लगभग सेंटर की 50% ज़्यादा गिर गई हैं लगभग, और स्टेट में भी यही हाल है। तो रोजगार का मुद्दा तो है, बहुत सीरियस है ना, उसमें रोजगार का सही बात लगता है कि लोगों को। अच्छा, आपके अनुसार उनके शासनकाल में लोगों को रोजगार मिला था, ऐसा लगा? मायावती के टाइम पे सर, उस टाइम तो इतना अवेयरनेस नहीं थी इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं, लाइक 2014 से पहले और बाद में, तो 2014 के बाद वैकेंसीज गिरी हैं। अब जाके थोड़ा, क्योंकि अगले ईयर इलेक्शन है, तो अब जाके थोड़ा थोड़ा सेंटर की वैकेंसी थोड़ी बढ़ रही हैं, लेकिन पिछले 2014 से 20, इन 6 सालों में 50% के ऊपर जो वैकेंसी थी, 50% के नीचे गिर गई है। युवाओं का कहना है कि रोजगार नहीं मिला है, ये बात मायावती की इनको ठीक लगती है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम यशवंत त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, एक आरोप है मायावती का, पूरा मैं आपको संक्षेप में बता दूं। उनका कहना है कि उनके शासनकाल में लोगों के जीवन धन्य हुए, ये सेंटेंस है उनका, जीवन धन्य हुए, लोगों को आवास मिला, रोजगार मिला।
सपा और भाजपा के शासनकाल में ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ तक कि उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस रहते उनको कई सपोर्ट नहीं मिले जिससे और भी अच्छा वो कर सकती थी, नहीं कर पाई। लेकिन उन्होंने जो किया लोगों का जीवन धन्य हुआ। तो आपको क्या लगता है कि सपा और भाजपा धन्य नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मायावती जी की जो गवर्नमेंट थी उनसे बहुत बेहतर आपकी जो भाजपा गवर्नमेंट चल रही है, हर क्षेत्र में वो आगे काम कर रही है। रही बात रोजगार की, तो रोजगार उस पीरियड में मायावती जी ने जो भी बेरोजगारों को दिया होगा, ठीक है, उनका कहना भी ठीक है। लेकिन ये कहना कि मतलब सपा और भाजपा उसकी तुलना में बसपा ने बहुत अच्छा रोजगार दिया, बहुत अच्छा कानून व्यवस्था दिया, तो ऐसा नहीं है। वो उनसे कहीं बहुत अच्छे तरीके से भाजपा सरकार अपनी रोजगार और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। इसमें मायावती जी का जो कहना है ये हम उनकी बातों से सहमत नहीं है। अब सहमत नहीं है, क्या बोलेंगे? जैसा कि त्रिपाठी जी ने बताया बात सही है। अब उनका देखिए, मायावती जी के शासनकाल में एक दो चीज़ें जो थीं वो अच्छी ये थी कि एक तो लखनऊ का उन्होंने विकास किया। लखनऊ निष्पक्ष होकर बात हो रही, बहुत अच्छी है ना। हाँ। क्योंकि यहाँ लखनऊ को यदि उन्होंने नवाबों के बाद यदि किसी ने लखनऊ को बनाया विकसित किया वो मायावती जी ने किया। बाकी कोई भी सरकार आई होगी उसने लूट खसोट किया परंतु दिया कुछ नहीं राजधानी को। और रही बात उसकी कि रोजगार की, तो रोजगार में तो भाई साहब ऐसा है कि रोजगार हर गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से बताती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है जो मायावती की गवर्नमेंट को हम ये कह सकें कि उन्होंने रोजगार बहुत अच्छा दिया, बहुत मकान दिए। बल्कि उनके काल में जिसको भी मकान दिए गए होंगे उन्होंने जात विशेष को मकान दिए होंगे, कि सामान्य रूप से किसी को फायदा लाभ नहीं पहुंचाया। अभी कुछ लोगों ने कहा कि उनके समय जो रोजगार मिले वो पैसे से मिले लोगों को, इसमें क्या बोलेंगे? देखिए, ये आरोप तो सब गवर्नमेंट पर लगते हैं, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, हर किसी भी काल में। इस समय थोड़ा सा चूँकि मोदी जी और योगी जी थोड़ा टाइट हैं इस मामले में, वो खुल के तो मामला नहीं आ पा रहा। रोजगार मिल रहे हैं मगर यहाँ पे यदि आपका अपॉइंटमेंट हो गया परंतु पोस्टिंग में अधिकारी उसका शोषण कर रहा है, तो यदि जनता लूट रही है, राजा लाख ईमानदार हो तो उससे फायदा क्या है भाई? जनता तो लूट ही रही है। हो सकता है राजा हमारा बहुत ईमानदार है, उस पर हम कोई आक्षेप नहीं लगा सकते, मगर राजा के नीचे वाले यदि मंत्रीगण हैं या उनके जो और कार्यकर्ता हैं उस स्तर के, यदि वो पब्लिक को लूट रहे हैं तो इसमें पब्लिक को राहत नहीं मिल रही है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन अब मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ। मायावती ने जो कहा है वो कितनी सच्चाई कि बीजेपी में और सपा में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिल रहा है, मैंने लोगों का जीवन धन्य किया? नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इससे मैं सहमत हूँ। सहमत नहीं है? नहीं, इसमें नहीं, क्योंकि आवास प्रधानमंत्री जी भी दे रहे हैं आवास बना बना के, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर जिले में उनको चाबियाँ दी जा रही हैं। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो रोजगार ये गवर्नमेंट भी दे रही है, है ना। वो गवर्नमेंट उस समय खाली ये था कि उनका एक टेरर बहुत था, यदि कहीं वो निरीक्षण करने जाती थी मंडल में या जनपदों में तो वहाँ पे एक दो आईएएस सस्पेंड जरूर होते थे। अब वो चाहे अब इसको चाहे जो लॉ एंड ऑर्डर समझ लीजिए, और जब वो सस्पेंड होते थे फिर उनकी बहाली में पेटियाँ चलती थी, तो ये कोई ईमानदारी नहीं हुई। बहुत अच्छे से इन्होंने बात की है, जो कि मतलब एकदम सच्चाई है, क्योंकि हम लोगों ने वो दौर देखा हुआ है और उसको महसूस किया है। इन्होंने साफ तौर पे उसको खुल के बता दिया है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बिल्कुल, जिस तरह से मायावती ने ट्वीट किया है, ट्वीट में उन्होंने वर्तमान सरकार को, इसके पूर्व सरकार को, समाजवादी पार्टी की सरकार को घेरने का काम किया है। उनका कहना है कि जो भी विकास कार्य उत्तर प्रदेश में हुए हमारी सरकार ने ज़्यादा काम किए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर
सरकार को हो, चाहे गरीबों के लिए आवास योजना को लेकर के हो या जो भी सुविधाएं हमारी सरकार ने किया उतने सरकार ने नहीं किया। लेकिन अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, चूँकि दूसरी बार सरकार बनी है 2017 से 2022 में दोबारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिया है, तो उनका ये कहना, वर्तमान सरकार का कहना है कि जितने मुख्यमंत्री आवास हमने दिए, प्रधानमंत्री आवास हमने दिए, रोजगार जितना हमने दिया या मनरेगा या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जितनी आवासीय योजना है, जितने विकास कार्य हमने किया है, इतना किसी सरकार ने नहीं किया। निश्चित तौर पर देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो कितनी सच्चाई आपको दिखती है? नहीं देखिए, अगर देखा जाए तो जो आवश्यकताएँ मायावती के शासनकाल का अगर कहा जाए तो निश्चित तौर पर उस दौरान भी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था। हाँ बिल्कुल था। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कुछ बेहतर कार्य हुए। वर्तमान सरकार की भी अगर स्थिति देखी जाए तो वर्तमान सरकार ने भी काम बेहतर किया है और कर भी रही है। मेरी कुछ छात्रों से बात हुई, उनका कहना है रोजगार नहीं है, बिल्कुल रोजगार नहीं है। ये सीधे तौर पे उनका कहना है कि रोजगार नहीं। आवास की बात की गई, कई लोगों ने कहा आवास तो इसमें भी मिल रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है कि बीजेपी नहीं कर पा रही है या सपा नहीं कर पा रही है, इसी कहां तक सही लगता है? देखिए, अगर मायावती सरकार की बात करें तो अंबेडकर आवास योजना, अंबेडकर कॉलोनियां मायावती की सरकार में काफ़ी लोगों को मिले, स्टार्ट वहीं से हुई है। हाँ, शुरुआती वहीं से रही। समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर बात किया जाए तो रोजगार के लिए युवाओं की अगर हम बात किया जाए तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में भी बेहतर कार्य हुए थे। जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी तो बेरोजगारी भत्ता भी काफ़ी हद तक काफ़ी छात्रों को मिला भी था। लैपटॉप हुआ, साइकिल वितरण का कार्य हुआ, तो सभी सरकारों ने। चलिए बहुत जल्दी में आप ये बताइए, मायावती ने जो बात बोला है उसमें कितनी सच्चाई आपको दिखती है कि नहीं दिखती है? नहीं देखिए, वही हम बताएं कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा रहा है। जो भी सरकारें रहती हैं उनको अपना कार्यकाल बेहतर लगता है, दूसरे का कार्यकाल को वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। निश्चित तौर पर मायावती चूंकि सत्ता में नहीं है, करीब 10 साल से 12 साल से ज़्यादा समय हो गया सत्ता से वो बाहर है, तो निश्चित तौर पर उनको भी राजनीति करनी है। अब अपने किए हुए कार्यों को गिनाना है, उपलब्धियाँ बतानी है और सरकार को घेरना है, तो निश्चित तौर पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा रहेगा। बसपा भी करेगी, समाजवादी पार्टी करेगी, कल बीजेपी सत्ता से बाहर होगी तो वो भी घेरने का कार्य। सीधे तौर पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका सीधे तौर पर यही कहना रहा कि मायावती का जो आरोप है वो लगातार हर कोई पार्टी अब सत्ता से बाहर रहेगी तो वो लगाती रहेगी, वो अपनी तारीफ करती रहेगी, ये कहना है। चलिए कल फिर नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।